नंबर वन में डाउट है किसी को बोलो। क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन करना है सर, एक काम करो, आप सभी क्वेश्चन चलो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ सारे क्वेश्चंस। तुम लोगों को कोई डाउट है तो बताना ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन इज सपोज A1, A2, A3, A4 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A8 और A5, ये रेशियो गिवन है आपको 3:2। फाइनली डिटरमाइन करना है A17:A23। हाँ, सो A8 इज A1 प्लस 7D, यस और नो? Yes, A5 is A1 plus 4D and this is given as 3:2. Finally determine karna hai A1 plus 16D upon A1 plus 20 2D. So yahan pe cross multiplication, this is 2A1 plus 14D is equal to 3A1 plus 12D. Clearly A1 is equal to bolo 2D. So this is 18D upon 24. Answer is 3:3. Option B. Simple question tha, question number 2. The number of terms of the AP is 147 that must be taken to obtain a sum is equal to 715. Simple question hai yaar, kaafi simple question hai. 715 is equal to number of terms upon 2. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म गिवन नहीं है यहाँ पे, तो यू विल अप्लाई क्या बोलो, 2a प्लस n-1। हाँ, तो 2a प्लस n माइनस 1 एंड d इज 3, सो दिस इज n अपॉन 2, 3n माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस 1। एनी डाउट? नाउ दिस इज 1430 इज इक्वल टू n इक्वल 3n माइनस 1, यस और नो? Yes. तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो, आप ये कर सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको लेफ्ट राइट साइड लेके आओगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। इससे अच्छा एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, क्लियर, वो जल्दी हो जाएगा। तो सपोज करो आप 14 पुट करते हो, सो दिस इज 24, तो ये है 24 इंटू 372 माइनस 1 71, मल्टीप्लिकेशन लास्ट डिजिट जीरो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। B ऑप्शन चेक करते हैं, 23, सो दिस इज 23 इंटू 369 माइनस 1 68, अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है। 22 चेक करते हैं, 22 इंटू 3 यानी कि 66 माइनस 1 65, ये आ सकता है। एक बार D भी चेक कर लेते हैं, दिस इज 21 इंटू 3 यानी कि 63 माइनस 1 62 पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री इज इफ द समेशन ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, देन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। देखो यार, डेफिनेटली आपको टर्म्स कंसीडर करना चाहिए, यस और नो? हाँ। इसका बेनिफिट क्या होगा, एडिशन गिवन है यहाँ पे, यानी कि समेशन गिवन है। So summation is 3a, 3a is equal to 24, a is equal to 8, ठीक है, their product is 440, इनका product कितना आ रहा है, देखो a into a minus d into a plus d, यानी a square minus a square and this is 440, हाँ a है 8, so ये हो गया 64 minus d square is equal to 440। अब यहाँ पे है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है, अगेन आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वरना वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया अभी 8d स्क्वायर, दिस इज 8 4 जा 32 8 6 48 प्लस 3 51 माइनस 440, तो ये हो गया 2 11 माइनस 47 8d स्क्वायर, so this is a 9, d is plus minus 3, option हाँ। next question, question number 4, so question number 4 is n arithmetic means are inserted between 3 and 17, कितने arithmetic mean define किए हैं, एक n arithmetic, तो ये total numbers कितने हो गए बोलो, n plus 2, plus 2, हाँ ठीक है, तो ये जो term है ये n plus second term है, yes or no?
So 17 is equal to a plus n minus 1, yani n plus 2 minus 1 into d. D is 14 upon n plus 1. Any doubt? अरे यार बोलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं. इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द लास्ट मीन इज 1:3, तो बेसिकली इसने ये बोला है कि a1 upon an, ये कितना गिवन है बोलो? 1/3. a1 can be written as 3 plus d, yes or no? And an can be written as 17 minus d, yes or no? तो ये हो गया अभी 9 plus 3d is equal to 17 minus d, यानि कि 4d is equal to 17 minus 9, 8d is equal to, हाँ, so 14 upon n plus 1 is equal to 2, n plus 1 is equal to 7, n is equal to बोलो, हाँ, तो यार ये तो इजी क्वेश्चन था. Any doubt? Next question. Question number 5. Question number 5 कितने लोगों ने किया ये बताओ यार, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है. Question number 5. Question number 5. कोई explain कर. हाँ बोलो. सर हाफ हुआ था, मतलब पूरा नहीं हुआ सर. देखो सुनो, question number 5 थोड़ा observe करो बेटे. ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का टू टाइम्स ए बी बी सी पी और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, दिस इज दिस ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का टू ए बी पी एंड प्लस बी स्क्वायर. एक ये सेपरेट किया हमने, बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का टू बी सी पी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ये स्टेप में कोई डाउट है किसी को बोल. ठीक है, अभी केयरफुली ऑब्जर्व करो तुम लोग थोड़ा, तो ये तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. देखो एपी स्क्वायर का, हाँ ये है एपी माइनस बी होल स्क्वायर. सिमिलरली दिस इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ बीपी माइनस सी होल स्क्वायर. एनी डाउट? स्क्वायर समेशन जीरो, ईच टर्म विल बी इंडिविजुअली जीरो. क्लियर? यानी AP is equal to B and BP is equal to C. अभी क्वेश्चन में आप, हाँ अभी क्वेश्चन में आपको कमेंट करना है A B C. तो P eliminate करते हैं. P P is equal to B upon A and P is equal to C upon B. Clearly B square is equal to AC. तो 100% A B C are in geometric. अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो फिर से डिस्कस करते हैं. बोलो. एक बार यार इसमें नहीं है फिर से डिस्कस करने के लिए कुछ भी, आप इसको ब्रैकेट ओपन करो बस. तो ये टर्म आ गए, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. अब आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि लाइक टू नंबर्स समेशन जीरो कब पॉसिबल है. बोलो. एक नंबर दोनों जीरो है. दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब वन पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव. लेकिन स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या? बोलो. हाँ बताओ. क्या बोल रहे हो? नहीं होते हैं सर. हाँ नहीं होते हैं, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, दिस इज आल्सो जीरो, दिस इज आल्सो जीरो. ओके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज सपोज m plus nth term of a GP is p, m minus nth term of this GP is q, then its nth term is. तो यार m plus nth term you can write a into r to the power m plus n minus 1, yes or no? This is p. m minus nth, a into r to the power m minus n minus 1, this is Q. Finally, क्या find करना है आपको? It's nth term क्या आएगा? A into r to the power n minus 1. अभी यार ये आपको सोचना है, इसमें कोई concept नहीं है, just logic है कि इन दोनों expression से ये कैसे आने वाला है, ये सोचना.
सर डिवाइड करेंगे क्या? सर डिवाइड करेंगे तो m और 1 आएगा, डिवाइड करके m और 1 कैंसिल हो सकता है, इसको आप डिवाइड करके लेकिन उससे n की वैल्यू आती है सर, r टू द पावर n की। हां r टू द पावर 2n की वैल्यू आएगी। सपोज कर इसको डिवाइड करते तो a और a कैंसिल, ये m भी कैंसिल होगा, समझ रहे हो ना? हां, और माइनस माइनस 1 इज आल्सो कैंसिलड, तो ये हो गया अभी r टू द पावर 2n, 2n is equal to e by q, r to the power n is equal to root p, p by q, r to the power n is equal to under root of e by q, p by q. Any doubt? अरे यार बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अभी r to the power n into r to the power माइनस वन, तो आर टू द पावर एन, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, यहाँ पर ये है अंडर रूट ऑफ पी अपॉन क्यू, थोड़ा ऑप्शंस मैच होना स्टार्ट हो गया है ना। रिमेनिंग पोर्शन है ये ए इंटू आर टू द पावर माइनस वन, माइनस वन। इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे सर? नहीं रुको यार, इजी है, टफ नहीं है। हाँ, रिमेनिंग पार्ट है अभी क्या, a into r to the power minus 1। एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी आपने डिवाइड किया था ना, एक बार इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, देखो है ना। तो ये हो गया a स्क्वायर r, मल्टीप्लाई करोगे पावर्स विल बी एडेड, यस और नो? सो n एंड कैंसिल, m प्लस m, 2m माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू PQ। तो अभी ये हो गया a into r to the power m minus 1 is equal to root PQ। Any doubt? No sir। a into r to the power m minus 1 is equal to root PQ। तो ये भी आ गया है फाइनली मेरे को, ये a into r to the power minus 1, तो बेसिकली r ही फाइंड करना है ना यहाँ पे, तो यार then a is also unknown here actually, ठीक है, ओके डन। एक बार इसको फिर से ट्राई करते हैं, या नेक्स्ट पेज पे, a into r to the power m plus n minus 1 this is p, a into r to the power m minus n minus 1 this is q, फाइनली डिटरमाइन करना है आपको a into r to the power n minus 1। ये क्वेश्चन ओके, तो a into r to the power n minus 1, तो यार इसमें काम ये हो सकता है, जैसे यहां पे this is a into r to the power n minus 1 into r to the power n is equal to p, p, तो basically आपको r to the power m eliminate करना है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? कैसे करेंगे सर? r to the power m eliminate करना है, okay, तो multiplication करने पे कोई benefit है क्या? डिवाइड करने पे क्या आ रहा था बोलो? ये वही रैंडम क्वेश्चन है यार, है ना? जैसे एक क्वेश्चन पहले भी आया था तुम लोगों को याद है, तो जहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था और एक बार डिवीजन, और फिर दोनों को एक मिनट कर देते हैं, स्क्वायर आया था। हाँ वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार डिवाइड करो। तो ये हो गया ए और ए कैंसिल, आर टू द पावर एन इज ऑल्सो कैंसिल, हाँ, तो ये हो गया आर टू द पावर 2n इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, आर टू द पावर n इज इक्वल टू रूट पी, तो r to the power n is equal to root pq, यानी r is equal to p upon q power 1 upon 2n, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना? हाँ, exactly sir, ये 1 upon 2 actually, again power 1 upon n, यानी कि 1 upon 2n, तो ये r आ गया है pq और n के terms में, okay, ठीक है।
And finally, we have to determine a into r to the power n minus 1. Yani a into r to the power n upon r. तो r तो पता है ऑलरेडी हम लोग, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एक्चुअली ये वाला पोर्शन तो इतना आ गया p upon q 1 upon 2n into n minus 1. But what about a? सर हाँ बोलो सर, वो जो सेकंड इक्वेशन है ना a into r raise to m minus n minus 1 is equals to, हाँ बिल्कुल, उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं ना a r to the power m divide by a r n plus 1. फिर उधर से अगर हम a r raise to m की वैल्यू निकाले और फिर दोनों को इक्वेट कर रहे तो मतलब a square की वैल्यू मिलती है. क्या बोल रहे हो? This can be written as a into r to the power m upon r to the power n plus 1 is equal to q. यही बोल रहे हो ना? हाँ सर. ठीक है, आगे बोलो, आगे बोलो. सर फिर वो first वाली equation में भी जैसे पहले लिखा था ना a raise to r to the power m, वैसे फिर दोनों में से a raise to r to the power m eliminate करके equate कर सकते हैं ना? हाँ, r तो यार eliminate कर सकते हो. r में देखो इतना issue नहीं है, तुम्हें r ही eliminate करना है ना. तो यू कैन राइट p अपॉन a पावर 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर q अपॉन a पावर 1 अपॉन m माइनस n माइनस 1. आपको r ही एलिमिनेट करना था ना फाइनली, तब तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है. सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या? बोलो सर. p अपॉन q करेंगे, हाँ, तो डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, तो ये डिवाइड हो गया है. डिवाइड किया है हम लोगों ने, हाँ. एक बार मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं. a स्क्वायर r टू द पावर 2m माइनस 2 इज इक्वल टू pq. सो a इनटू r टू द पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू रूट pq. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया. ओके, सो a इज इक्वल टू रूट pq अपॉन r टू द पावर m माइनस 1 और फाइनली फाइंड करना है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1. तो ये हो गया अभी रूट पी क्यू अपॉन r टू द पावर m माइनस 1 और ये हो गया r टू द पावर, अरे यार बोलो, n माइनस 1. समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम लोग? सर क्योंकि आंसर आ गया है अभी, है ना, माइनस वन कैंसिल, यस और नो? तो ये हो गया रूट पी क्यू इंटू आर टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एम, यानी आर टू द पावर एन माइनस एम, एन माइनस एम. एंड नाउ आर इज दिस पी अपॉन क्यू टू द पावर 1 अपॉन 2n. तो यहाँ पे माइनस जैसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन ये प्रॉब्लम है. स्पेशल प्रॉब्लम क्या है? रूट पी क्यू, दिस इज रूट पी क्यू सर. वो एट आर टू द माइनस वन इज इक्वल टू पी क्यू को पहले दो इक्वेशंस में इक्वेशंस में पुट करके देख सकते हैं क्या? एक सेकेंड बस. आंसर आ गया एक्चुअली ना, आंसर आ गया. यही स्टेप्स फॉलो करना था हम लोगों को. ये करेक्ट आंसर आ गया फाइनली. देखो सुनो, फिर से सॉल्व करते हैं ना, कुछ भी नहीं करना. जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है ये. एक बार मल्टीप्लिकेशन और एक बार डिवीजन. a into r to the power m plus n minus 1, this is p. a into r to the power m minus n minus 1, this is q. फाइनली डिटरमाइन करना है आपको a into r to the power n minus 1, yes or no? ठीक है, समझते चलो एक बार ठीक से. डिवीजन, सो a कैंसिल, r to the power m b कैंसिल, 2n is equal to p upon q, r is equal to p upon q power 1 upon 2n. इस स्टेप में कोई डाउट है बोलो? नहीं सर. ठीक है, एक बार मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट. सो a स्क्वायर r टू द पावर इंडेक्स विल बी एडेड, n n n कैंसिल, m प्लस m 2m माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 is equal to pq. नाउ दिस इज a into r टू द पावर m माइनस 1 is equal to root pq. एनी डाउट? No. तो कोई डाउट है तो
So clearly A is equal to root PQ upon R to the power M minus N, M minus 1. Yes or no? हाँ सर हाँ A find किया है R find किया है finally क्या find करना है R A into R to the power N minus 1 हाँ and A is this root PQ upon R to the power M minus 1 R to the power चलो minus 1 लिखते हैं clear हाँ सर and this is root PQ minus 1 cancel R to the power M N minus M इसमें कोई डाउट इसमें कोई डाउट नो सर ठीक है दिस इज सर आपकी आवाज कट रही है नहीं दिस इज r टू द पावर n अपॉन r टू द पावर m एनी डाउट m ठीक है अब यार आंसर आ गया देखो आप है ना ये है रूट pq r है दिस समझ रहे हो ना हां पावर कितना अप्लाई करना है आपको इस पे n न्यूमरेटर में देखो n तो n एंड n कैंसिल यस और नो दिस इज pq टू द पावर 1 अपॉन 2 अपॉन r टू द पावर m m यानी कि दिस इज p अपॉन q पावर m अपॉन 2n इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को नहीं सर ठीक है अब यार एक चीज समझना थोड़ा केयरफुली ओके देखो दिस इज रूट q यस और नो यस root q cancel this is root p this is also root p into root p do root root p p p p and this is q upon p m upon 2n yes or no yes option check thoda lengthy question hai lekin ye aise hi karna padega p q upon p power m upon 2n option c ye same usi concept pe question hai question kya tha hum logo ne yaad hai to जिसमें हम लोग थोड़ा फंस गए थे तो सेम वही था वहां पे मल्टीप्लिकेशन एक बार डिवीजन और फिर स्क्वायर करके एक बार अंडरस्टूड यस क्वेश्चन सेवन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन सेवन इज सम 225 टर्म्स ऑफ द सीरीज एस इज इक्वल टू इसमें फाइव कॉमन लोगे यार है ना 0.1 0.11 0.111 एंड सो ऑन अभी क्या करना है बोलो डिवाइड बाय 9 से मल्टीप्लाई हां 9 बाय 9 से मल्टीप्लाई सो 0.99 0.999 एंड सो ऑन नाउ दिस इज 5 अपॉन 9 1 माइनस 0.1 दिस इज 1 माइनस एंड माइनस 0.01 दिस इज 1 माइनus 0.001 तो 5 अपॉन n हाउ मेनी टर्म्स 25 तो 1111 25 टाइम्स कितना होगा बोलो 25 हाँ एक सेकेंड ओके माइनस दिस इज 0.1 यानी कि 1 अपॉन 10 दिस इज 1 अपॉन 100 दिस इज 1 अपॉन 1000 सो ऑन कितने टर्म्स हैं ये बोलो 25 ये सॉल्व कर सकते हो ना अभी आगे या पूरा सॉल्व करके चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं The sum of the infinite GP P plus 1 plus 1 upon P plus 1 upon P square clearly infinite GP का summation होता है first term upon 1 minus common 1 minus common common ratio है 1 upon P any doubt? No sir और ये summation कितना क्या है? P square by P 14 upon 6 तो ये हो गया P square upon P minus 1 this is 14 and upon 6 solve करने का requirement नहीं है दिख रहा है नाउ क्वेश्चन इज समेशन ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म थर्ड टर्म इज दिस फोर्थ टर्म इज दिस सो 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 14 9 यानी कि 8 अपॉन 14 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 The positive numbers form an increasing GP. If the middle term in this GP is triple, तो AAR square. Middle term को आप क्या कर रहे हो बोलो? Triple. तो ये अभी क्या बन गया यहाँ पर? Arithmetic. और middle arithmetic है तो middle term का double is equal to first term plus
थर्ड टर्म ए कैंसिल सिक्स आर इज इक्वल टू वन प्लस आर स्क्वायर. नाउ दिस इज आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. इसमें स्प्लिट नहीं होगा, फॉर्मूला अप्लाई करोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस का फोर इसी 36 माइनस फोर यानी कि 32. और 32 कितना होता है बोलो, फोर फोर रूट टू यानी कि ये सॉल्यूशन आ गया अभी 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस एक्सेप्टेबल क्या है बोलो, प्लस और माइनस प्लस एक्सेप्ट करोगे क्योंकि माइनस हो गया तो नेगेटिव हो जाएंगे. नहीं यार नेगेटिव नहीं आएगा, रूट 2 होता है 1.4 1.4 इनटू 2 यानी कि 2.8 3 माइनस 2.8 यानी कि 0.2 0.2 सर दोनों भी वैलिड है पर ऑप्शंस में फर्स्ट है. सुनो यार एक मिनट सुनो तो सही. 0.2 स्टार्टिंग लाइन इज थ्री पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी. तो यार इंक्रीजिंग जीपी के लिए डेफिनेटली कॉमन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन ए फर्स्ट टर्म ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1. आप यार स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली बात है 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है. हाँ तो 3 प्लस 2 रूट 2 क्लियर. क्वेश्चन 10 इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी a कॉमन 1 प्लस r r स्क्वायर r क्यूब r टू द पावर 4 एनी डाउट अपॉन टू द सम ऑफ देयर reciprocals यानी कि 1 अपॉन a 1 अपॉन r. अरे समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? हां सर. तो 1 अपॉन 1 1 अपॉन r 1 अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन r क्यूब और 1 अपॉन r टू द पावर. हां ये रेशियो कितना गिवन है यहां पे 49. ओके इसको सिंपलीफाई करते हैं ना, डिनोमिनेटर सिंपलीफाई करो पहले. एलसीएम इज करो r टू द पावर 4 प्लस r क्यूब प्लस r स्क्वायर ऐसा सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा. एंड दिस कैंसिल ये न्यूमरेटर में. सो न्यूमरेटर इज a स्क्वायर इनटू r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 49. इस स्टेप में डाउट है किसी को बोलो? नहीं सर. तो a इनटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 प्लस माइनस 7 आना चाहिए, अभी 7 यूज करके देखते हैं. एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 35 यानी a प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 35 ar स्क्वायर इज 7 सो a इज इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना बोलो 28 ये 28 है तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 1 बाय 2 यानी r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 यूज करके देख रहे हैं. नाउ क्वेश्चन इज फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म इज a इनटू r टू द पावर 4. हां तो ये हो गया 28 यानी 1 अपॉन 16 एनी डाउट? हां सर. आंसर इज 7 बाय 4 ऑप्शन सी. सी यार बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोलो. नहीं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 किसने सॉल्व किया था? तो ओके देखो s इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने ऑलमोस्ट वैसे ही है ये 2007 स्क्वायर माइनस 2008 स्क्वायर और सबसे लास्ट में क्या है बोलो 2009 स्क्वायर. हियर यू कैन अप्लाई व्हाट तो बस यार ये समेशन फाइंड करो माइनस वन मल्टीप्लाई और ये आपको सेपरेटली यूज करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ आप लोगों से बोलो. Let x be the arithmetic mean and y z be two geometric means between any two positive numbers. So x hai arithmetic mean. Arithmetic mean will be a plus b upon 2. Y z geometric means hai. Yani ye ban gaya abhi geometric
प्रोग्रेशन क्लियरली कितने टर्म्स हैं यहाँ पे बोलो चार यानी कि b इज इक्वल टू a इनटू r टू द पावर 3 हाँ सो r क्यूब इज इक्वल टू b बाय a y इज ar यस और नो हाँ z इज ar स्क्वायर यस और नो हाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन x y z तो y क्यूब इज a क्यूब r क्यूब यस और नो हाँ z क्यूब इज a क्यूब r टू द पावर सिक्स कॉमन इसमें आ रहा है ए क्यूब आर क्यूब रिमेनिंग क्या है वन प्लस आर क्यूब अपॉन क्या है देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तो एक्स एंड वाई जेड इज ए स्क्वायर आर क्यूब यस और नो ठीक है ओके तो कुछ भी नहीं यार बस वैल्यूज वगैरह पुट करना है यहाँ पे ना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आर क्यूब शायद था हमारे पास में हाँ आर क्यूब इज बी बाई ये बी बाई ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस जगह पे सो दिस इज वन प्लस बी बाई यस और नो एंड वन प्लस बी बाई इज ए प्लस बी अपॉन ए हाँ अब थोड़ा केयरफुली देख रहा है ना आर क्यूब कैंसिल दिस इज ए क्यूब ए सर ए भी कैंसिल होता है हाँ बिल्कुल होगा एक मिनट एक मिनट a square upon 2 and a plus b. Yes or no? A cube, a square cancelled, a plus b is also cancelled. Final answer is? 1/2. अरे नहीं यार 2 ऊपर जाएगा ना ये. अरे हाँ हाँ. हाँ so final answer is option C. A. Any doubt? Again patience वाला question था, simple question था. कर सकते थे. क्वेश्चन 13 ये कितने लोगों ने किया है ये बताओ एनीवन क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई किया सर क्वेश्चन 13 डिस्कस करता है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके स्मॉलेस्ट एंगल है 100 डिग्री कॉमन डिफरेंस है 4 डिग्री यानी उसके एंगल्स है दिस 100 डिग्री 104 डिग्री 108 डिग्री एंड सो ऑन अंडरस्टूड ओके द नंबर ऑफ साइड्स इज लेट्स से एन साइड्स है कितने साइड्स है अब ये बताओ एक पॉलीगॉन है साइड्स है एन टोटल समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स बोलो चलो अभी देख लो यार n साइड्स इनटू n माइनस 1 हां n साइड्स हैं तो समेशन होता है दिस n माइनस 2 इनटू 180 डिग्री लाइक ट्रायंगल थ्री साइड्स 3 माइनस 2 1 इनटू 180 यानी कि 180 क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स 4 माइनस 2 इनटू 180 यानी कि 360 डिग्री अंडरस्टूड यस अच्छा एक अरिथमेटिक से बताओ अच्छा एक चीज क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को पॉलीगन के अंदर जितने नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं ना उतने ही साइड्स होते हैं ये क्लियर है ना सभी को ठीक है तो अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समेशन विल बी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस इस स्टेप में डाउट है ये फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने और ये अरिथमेटिक का कांसेप्ट इसमें 4 कॉमन आएगा यस और नो So n minus 2 into 4. Now this is 50 plus n minus 1. Any doubt? Plus n minus. No sir. So ye 2 times cancel. Now this is 2n. And this is 49 plus n is equal to n minus 2 into 180. ठीक है ये हो गया अभी 98n plus 2n. Sir अभी cancel कर लेते हैं. 2 भी cancel कर सकते हैं. ये 90 कैंसिल हो गया सो दिस इज 49n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 90n माइनस 180 तो ये हो गया अपनी n स्क्वायर यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दीज टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड
49n माइनस 90n कितना आएगा बोलो? 41 माइनस 31n 31 और 41 41 आएगा सर 41 प्लस 180 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 0 मिडिल टर्म स्प्लिट मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 180 क्या करोगे बोलो 36 इंटू 5 सो n माइनस 5 इंटू n माइनस 36 इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 36 या तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार क्या करना है n is equal to 5 and n is equal to 36 और यहाँ पे दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट हैं अब सुनो ध्यान से स्टार्टिंग एक वर्ड यूज किया है इसने क्या बोलो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बताओ सभी डायगोनल फिगर के अंदर होते हैं देखो यार मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल बताता हूँ जैसे इस तरीके से कोई फिगर होता है ना तो ये होता है कॉनकेव क्या बोलते हैं इसको कॉनकेव ये एंगल और ये एंगल कॉन्वेक्स क्या होता है इस तरीके से ये जो फिगर्स होते हैं नॉर्मल जो फिगर्स होते हैं इनको आप बोलते हो कॉन्वेक्स फिगर्स अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन सुनो दिस इज कॉन्वेक्स 180 डिग्री ना हो हाँ बिल्कुल ये है कॉन्वेक्स ये है कॉनकेव तो कॉन्वेक्स के अंदर ऑल एंगल्स मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री और यहाँ पे एटलीस्ट वन एंगल विल बी ग्रेटर देन 180 एनी डाउट नो सर ग्रेटर देन 180 ओके अब ये बताओ यहाँ पे आप आंसर कौन सा एक्सेप्ट करोगे n is equal to 5 या फिर n is equal to 36 बोलो सर 5 यूज करना पड़ेगा आप 36 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 36 यूज करोगे ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा अंडरस्टूड क्योंकि कंटिन्यूअसली 4-4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है 36 टर्म में 35 into 4 इंक्रीज हुआ होगा यस और नो तो ये ग्रेटर देन 180 हो जाएगा तो इसका आंसर ओनली क्या आने वाला है ऑप्शन ए एनी डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 एबीसी आर पॉजिटिव नंबर्स ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था वही क्वेश्चन एबीसी आर पॉजिटिव नंबर्स एबीसी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन तो b square is equal to 2ac upon a plus c yes or no और हर्ष यार तुमने ही बताया था कि सर आप इसको b minus d use करो तो ये हो गया अभी 2 times b minus d whole square into b plus upon b minus d square plus b plus d square Any doubt? Awesome. इधर है b square. Now this is b square is equal to 2 times a plus b a minus b a square minus b square यानी कि b square minus d square whole square. Any doubt? Awesome. This is a minus b whole square. This is a plus b whole square minus 2bd plus 2bd cancel. b square 2b square d square d square 2d square यानी कि 2 times b square plus d square 2 cancel प्रथमेश कोई डाउट है बोलो सर इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि अगर वैल्यूज पुट करके देखे तो a is equal to b is equal to c आ नहीं वो तो कर ही सकते हो यार क्योंकि a is equal to b is मतलब इक्वल टर्म्स जो होते हैं ना तो अरिथमेटिक भी है वो और वो हार्मोनिक भी है वो तो है क्लियर लेकिन फिर भी और कोई पॉसिबिलिटी चलो खैर ये इसमें ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कोई भी कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो ऑप्शन ए लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं दिस इज बी टू द पावर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर दिस इज बी टू द पावर 4 माइनस 2 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर
b4 आंसर ये हो गया d टू द पावर 4 दिस इज 3 टाइम्स b स्क्वायर अभी कैंसिल करते समय d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है whenever you cancel the terms number of solutions decreases तो आपको साइड में 0 भी यूज करना पड़ता है ओके तो ये हो गया अभी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी कि d इज इक्वल टू 0 का मतलब ऑल टर्म्स आर इक्वल हां और एक रिलेशन आएगा यहां से सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर यानी कि d इज इक्वल टू √3 √3b लेकिन ऐसा ऑप्शन हो सकता है लाइक बी ऑप्शन सी ऑप्शन पॉसिबल है वैसे इसमें चेक करते हैं सो d इज √3b है ना ओके तो a इज कितना आ गया बोलो b - d यानी b माइनस रूट थ्री बी ऐसा नो सी इज बी प्लस रूट थ्री बी सो ए सी इज ए सी कितना रहा बोलो ए प्लस बी माइनस थ्री बी स्क्वायर यानी माइनस टू बी स्क्वायर हाँ माइनस टू बी तभी ऑप्शन सी तो नहीं आएगा यार क्योंकि माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन एट तो वन अपॉन फोर आ गया ना वहां पे सो ओनली ऑप्शन ए इज पॉसिबल एनी डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 ये भी हम लोगों ने क्लास में किया था ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस अभी कमेंट करना है आपको ए माइनस बी बाई टू बी बाई टू और सी माइनस बी बाई टू स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से सपोज करो कि अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म का डबल शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट थर्ड यार तुम लोग आज काफी टायर्ड हो गया ऐसा कुछ है तो बताओ नहीं तो 2b इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना ये तो अरिथमेटिक हो जाएगा बंदा तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है अंडरस्टूड ऑप्शन बी चेक करते हैं ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म बड़ा थर्ड टर्म बोला फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म क्योंकि तीन नंबर्स के लिए वैलिड है तो ये हो गया अभी एसी माइनस बीसी बाय टू माइनस एबी बाय टू प्लस स्क्वायर अपॉन फोर दिस इज ऑल्सो बी स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर अपॉन फोर कैंसिल एनी डाउट नाउ ये हो गया अभी बी सी बाई टू प्लस ए बी बाई टू हाँ यहां से बी कॉमन यस ऑर नो ए प्लस सी बी ए प्लस बी बाई टू बी इज क्लियरली टू ए सी अपॉन अरे समझ गया ना इधर देखो हाँ यही स्टार्टिंग में रिजल्ट इसका मतलब ऑप्शन ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ऑप्शन बी ये एजीपी मतलब अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मिक्स हाँ बेटा एजीपी का मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक होता है लाइक ऐसे 1 अपॉन पी 2 अपॉन पी स्क्वायर 3 अपॉन पी क्यूब 3 अपॉन पी क्यूब पी अपॉन 4 अपॉन पी टू द पावर 4 तो 1 2 3 4 ये सारे टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और डिवाइड में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यस और नो यस तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक होते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 ये तो बताया था ऑलरेडी क्लास में 16 में डायरेक्ट रिजल्ट याद करने के लिए बोला था क्या आंसर है बोलो -1 a फर्स्ट टर्म -1 फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म n -1 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट अरे यार ये बताया था ना लाइक ए बी सी डी हार्मोनिक तो ए बी बी सी सी डी डी इज इक्वल टू 5 माइनस 1 फर्स्ट टर्म इनटू हाँ 17 डिस्कस करते हैं 17 अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था एक्चुअली 17 इज एक्स इज इक्वल टू सिग्मा रीड करना जानते हो ना सभी लोग दिस इज ए टू द पावर एन एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी फर्स्ट यू विल पुट एन इज इक्वल टू 0 a to the power 0 is
बिल्कुल, और ये इनफिनिट प्रोग्रेशन है। तो क्या होता है इनफिनिट प्रोग्रेशन का समेशन, बोलो x = 1 by 1 - 1 - 1 फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन। सिमिलरली y = फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - b minus सिमिलरली z = 1 अपॉन 1 - c a b c। ये है अरिथमेटिक, तो डेफिनेटली माइनस ए माइनस बी माइनस सी आल्सो 1 ऐड करोगे अभी भी आल्सो डिवाइड हार्मोनिक ऑप्शन ऑप्शन सी। एनी डाउट? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज A1 A2 B2 arithmetic means, G1 G2 B2 geometric means, H1 H2 B2 harmonic means, between two positive numbers A and B. Arithmetic mean भी define किया है आपने, geometric mean भी define किया है, और साथ में harmonic mean, तो ये value decide करना है। Start करें solve करने से, बोलो। हाँ sir। काफी सिंपल क्वेश्चन है, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी है। एक तो मेरे को ये बता दो A1 plus A2 कितना आने वाला है? A plus B 100%। G1 G2 AB 100%। 1 upon H1 plus 1 upon H2 1 upon A plus 1 upon B। So H1 H2 denominator, H1 plus H2 numerator, A, B and this is A plus B. Yes or no? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। G1, G2, AB, H1 plus H2 upon H1, H2, A plus B upon AB and A1 plus A2, A plus B. A plus B, suppose cancel option. C. Any doubt? No sir. Next question, 19. 19 कितने लोगों ने सॉल्व किया बोलो? सर मैंने। ओके 19 एक्सप्लेन कौन करेगा यहाँ पे? नीरल तुम रीड करो क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन सेव्स रुपीस 200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ हिज सर्विस, इन ईच ऑफ द सबसीक्वेंट मंथ्स हिज सेविंग वाज रुपीस 40 मोर देन द सेविंग्स ऑफ इमीडिएटली प्रीवियस मंथ, हिज टोटल सेविंग्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सर्विस विल बी ₹11,000। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? स्टार्टिंग 3 मंथ्स कितना मनी सेव किया उसने बोलो? 200। देन नेक्स्ट मंथ से 40 एक्स्ट्रा, यानी 240 280 320 एंड सो ऑन। टोटल सेविंग कितना है बोलो? 11,040। हाँ, ये कितना आ रहा है? 600। तो ये माइनस करते हैं 0, 4, 4 और 10, यानी ये समीकरण कितना है बोलो? 10,440। एनी डाउट? नो सर। लेट्स से ये n मंथ्स है, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 10,440। क्लियर? कॉमन आएगा इसमें 40, so 40 common, now this is 120 plus n minus 1, any doubt? No sir. Is equal to 10,440, 20,0522, n into n plus 119 is equal to 522, any doubt? Yes sir. ये solve करना है, इससे n का value मिलेगा आपको। और फाइनली इनपुट करके भी देख सकते कर सकते हो। एंड फाइनल आंसर इज नॉट एन, फाइनल आंसर इज एन प्लस 3। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स बोला है उसमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, लॉग ऑफ ए प्लस सी प्लस लॉग ऑफ ए प्लस सी माइनस टू बी इज इक्वल टू टू टाइम्स लॉग ऑफ ए माइनस सी लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन यानी लॉग ऑफ एम एन टू. यहां पे एनी डाउट? माइनस सी ऑल्सो यानी ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस इज इक्वल टू ए माइनस सी. सो ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस टू बी इज इक्वल टू ए माइनस सी होल स्क्वायर. एनी डाउट? फाइनली आपको कमेंट करना है ए बी एंड सी. स्टार्ट करें. देखो ये मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे ना, ये और फिर ये. सो दिस इज ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस का टू बी. ए प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी होल स्क्वायर. एनी डाउट? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. या फिर एक काम करते हैं ना, इतना क्यों करना है हम लोगों को, ऐसे करते हैं यूजिंग ट्रांसपोजिशन. टेक दिस ऑन द राइट साइड टू बी टाइम्स ए प्लस सी एंड दिस ऑन द लेफ्ट साइड. सो दिस विल बी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी एंड दिस इज 4ac. यस और नो? 4ac. 2 कैंसिल. b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c. सो a b c आर इन डेफिनेटली ट्वेंटी वन. यार ये तो सॉल्व किया होगा आप लोगों ने. 21 इज फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस. फाइंड आउट इट्स 10th टर्म. तो 10th टर्म विल बी समेशन ऑफ 11 टर्म्स, सॉरी समेशन ऑफ 10 टर्म्स माइनस समेशन ऑफ 9 टर्म्स. 10 टर्म्स के लिए इसमें n इज इक्वल टू 10 पुट करो. 10 स्क्वायर 100 इनटू 5 500 प्लस 7 570 यानी कि 570 माइनस 9 पुट करो. अभी 9 स्क्वायर 81 इनटू 5 405 एंड 63 तो ये हो गया 468. यस और नो? नाउ दिस इज 2102. क्वेश्चन था समेशन ऑफ डिजिट्स. तो समेशन ऑफ डिजिट्स कितना आ गया बोलो? 10 सॉरी केवल 3. 22 इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी नीडेड टू ऑब्टेन द समेशन ऑफ दिस. क्या बोल रहे हो? तो ये डेफिनेटली एक इनफाइनाइट. अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है क्या वहां पे? ठीक है. इस रिएक्शन में ऐसे एकदम खुश हो गया था. क्या बोल रहे हो? तो ये है 3, 3 by 2, 3 by 4. फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो 1 by 2. तो समेशन इज a इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. एनी डाउट? इज इक्वल टू दिस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन 2. रेसिप्रोकल करोगे 6. यस और नो? इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512. 6 से कट होता है 30. नहीं 6 से तो नहीं होगा बेटे, 3 से कैंसिल करते हैं पहले इसको. 1023. नाउ 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1023 अपॉन 1024. यस और नो? 1 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1023 upon 1024, यानी कि 1 upon 1024. So n is clearly sum 1. 10 terms. Sum of digits. अच्छा हाँ, sum of digits फिर बना. यार बोलो कोई doubt है तो बताओ. अच्छा paper discuss करते हैं फिर तुम लोग जा सकते हो. बाकी फिर एक काम करते हैं, संडे से पहले एक क्लास और रखते हैं तब quadratic start करेंगे. तो paper discuss थोड़ा अच्छे से कर लो. कोई doubt है इस question में बोलो. 23. The sum of three terms, sorry, the sum of three numbers in AP is 21. So A, A minus D or A plus D. 3A is equal to 21. A is equal to 7. If the second term is reduced by 1, yani A minus 1,
while the third term is increased by 1, yani this. And first term to ye as it is here, okay. Then the resulting numbers form an increasing GP. A has 6, this is 7 minus D, and this is 8 plus D. हाँ तो जीपी है यानी मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म डिफाइन कर सकते हो जाएगा ना ये अभी ठीक है दिख रहा है यार वैसे डी इज इक्वल टू 4 आना चाहिए इसके अंदर क्योंकि 4 पे ये आएगा 12 और ये आएगा 3 क्लियर 24 डिस्कस करते हैं 24 लेट a1 a2 a3 a10 बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन h1 h2 h3 h10 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन a1 h1 सेम एट 2 a10 h10 सेम एट 3 और फाइनली क्या डिटरमाइन करना है a4 into h7 स्टार्ट करें हां बोलो पहले वाला क्वेश्चन में d4 आ रहा है तो उसमें आंसर 2 दिया हुआ है बेटे क्वेश्चन डी है ना सुनो क्वेश्चन डी थोड़ी है यार क्वेश्चन तो कॉमन रेशियो है रुक तो जाओ एक मिनट के लिए ऐसे थोड़ी है डी इज इक्वल टू 4 यहां पे पुट करो सो दिस इज 3 6 एंड 12 कॉमन रेशियो इज 2 हां समझ गए हां A1, A2, A3, A10, arithmetic progression, okay. And H1, H2, H3, yani ki 1 upon H1, 1 upon H2, 1 upon H3, 1 upon H10. Ye bhi arithmetic progression ho gaya. Yes or no? Starting term hai 2. This is also 2. R3. A10 hai 3. This is also 3 तो एक काम करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं 3 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इनटू d यस और नो सो d इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 यहां पे 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 10 माइनस 1 इनटू कैपिटल d अंडरस्टूड सो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 कैपिटल d माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बाय 9 6 तो d इज माइनस 1 अपॉन 54 यस और नो फाइनली फाइंड करना है आपको a4 इनटू h7 कर सकते हो ना ये लोग क्वेश्चन तुम अभी a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d यानी कि 2 1 प्लस 3 स्मॉल d यानी कि 1 अपॉन 3 तो कितना आ गया बोलो ये 7 अपॉन 3 हां h7 तो 1 अपॉन h7 इज इक्वल टू 1 अपॉन h1 प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6 अरे यार तुम लोग को नहीं हो रहा है क्या क्लियर ये 6 9 भाई शो हो गया सर हो रहा है 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 9 एलसीएम इज 18 2 9 7 अपॉन 18 तो h7 इज 18 अपॉन 7 फाइनली मल्टीप्लिकेशन आंसर इज कैंसिल 25 तो प्लीज यार सभी लोगों ने किया होगा एटलीस्ट क्योंकि मैंने बताया था सर 4, 7, 14, 35, 14. Difference कितना आ रहा है बोलो? 7, 7, 11. 4, 4. 0th order, 1st order, 2nd order. So nth term will be this. Yes or no? Yes, sir. N is equal to 1. A plus B plus C, first term, 4. N is equal to 2. 4A plus 2B plus C, 7. 9a plus 3b plus c 14 14 माइनस सर आपने उधर 11 लिखा है कहां पे 11 लिखा है सर आपकी आवाज कट रही है मेरा वॉइस कट हो रहा है क्या नहीं सर हां यार नहीं होना चाहिए मैंने लिया नेट कनेक्शन सर यहां पे 11 रहना चाहिए मॉडल क्यों कहां पे 11 रहना चाहिए ओ सॉरी हां 14 सॉरी 14 तो ये हो गया 5a plus b is equal to आंसर 7 समझ रहे हो ना आंसर माइनस करते हैं 2a is equal to 4 a is equal to
b is equal to minus 3 minus 3 a is equal to 2 b is equal to minus 3 2 minus 3 c is equal to 5 आपको फाइंड करना है समेशन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स 20 tn क्लियरली ये हो गया है अभी an स्क्वायर प्लस bn प्लस c यस और नो हां सो 2 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर n plus 1 21 2n plus 1 upon 6 sigma n कितना होता है बोलो n plus 1 upon 2 plus n 500 very good sorry sir 100 इतना दिमाग कहां से लाते हो सर नहीं मैं पहले 50 बोला फिर ना बोल के 100 बोला तो आपको 500 सुनाई दिया यार तुम लोग थोड़ा फास्ट करो देखो यहां पे बारिश हो रही है और राजस्थान में बारिश होती है तो फिर हम लोग बकेट्स वगैरह लेके बनना स्टार्ट करते हैं पानी समझ रहे हो ना ठीक है समझ गए तो बारिश चल जाएगा सारे पानी फिर हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फाइनल आंसर अभी तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना हाँ सर ठीक है तो मैं सॉल्व करके बताऊं पूरा बताऊं नहीं सर चलो फिर नेक्स्ट क्लास कल करते हैं कल या सैटरडे को रखते हैं ओके ठीक है तो क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे सैटरडे तक ही रखते हैं अच्छा रहेगा और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बोलो नहीं सर चलो फिर ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे हाँ सर और कोई डाउट है तो मैं बोलो नहीं सर चलो फिर ओके बाय 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 सर बाय बाय थैंक यू सर ओके ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे ठीक है चलो